1965 से लेकर 70 तक जब मैं महाराष्ट्र में था तो मुझे ये देखने को मिल रहा था कि अंबेडकर की चलाई हुई मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता वो फेल होती नज़र आ रही थी। तो उसके फेलियर के काफ़ी कारण मैंने ढूंढने की कोशिश की तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं उस समाज की राजनीति कामयाब नहीं हो सकती है। तो इसलिए मुझे ये दबे कुचले समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना चाहिए। और जब मैं जड़ें देखने लगा तो मुझे जड़ें ही नज़र नहीं आई, तो मुझे लगा ये तो समाज ही रूटलेस है, पहले तो जड़ें बनानी होंगी, फिर इसको मजबूत करना होगा और फिर उस मजबूती का सहारा लेकर तब हमें राजनीति के बारे में सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए मेरा ज़िंदगी का बहुत सा समय समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने में लगा। उसमें बामसेफ नाम का एक संगठन बनाकर तो मैंने जो एजुकेटेड एम्प्लॉइज थे दबे कुचले समाज के उनको संगठित किया और उनको संगठित करके दिमाग, हुनर और पैसा, ये तीन किस्म की गैर राजनीतिक जड़ों को बनाया और मजबूत किया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मूवमेंट को कामयाब बनाने के लिए दिमाग का होना ज़रूरी है, हुनर का होना ज़रूरी है, पैसे का होना ज़रूरी है। तो इस तरह से तीन किस्म के जनरेटर बनाकर तो मैंने बात को, मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश की। और जब ये गैर राजनीतिक जड़ें कुछ मजबूत हुई तो फिर मुझे ऐसे लगा कि भाई पावर विल बी प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल्स, जो राजनीतिक सत्ता है वो संघर्ष में से ही निकलेगी, वैसे ही कोई हमें थाली में लेकर उसको नहीं परोसेगा देगा। तो इसलिए संघर्ष करने के लिए दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जिसको शॉर्ट में हम DS4 बोलते थे, इस नाम का संगठन हम लोगों ने बनाया और उसके माध्यम से पहला संघर्ष हमने शुरू किया देश भर में, कन्याकुमारी, कोहिमा, कारगिल, पुरी, पोरबंदर, ये हमारे देश के 5 कोने नज़र आते हैं। 100-100 साइकिल की रैली शुरू करके दिल्ली की तरफ हमने मार्च किया एक प्रचार करते हुए। वो प्रचार किस चीज़ का था? स्ट्रगल फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी, समता और सम्मान के लिए संघर्ष। तो उससे एक वातावरण देश भर में बना, एक फिजा बनी, एक माहौल बना कि जिन लोगों को समता और सम्मान की ज़रूरत है उन लोगों को अपने पैरों पर खड़े होकर इसके लिए संघर्ष करना होगा और तब ही वो समता और सम्मान हासिल कर सकते हैं। तो ये रोल DS4 का रहा। उसके बाद हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी बनाई ये सोच करके कि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। तो मेजॉरिटी तो दलित शोषित समाज की है, अब इसको राजनीति में परिवर्तित करने के लिए बहुजन समाज बनाना शुरू किया और बहुजन समाज की पार्टी बनाना शुरू की। और बहुजन समाज पार्टी बनाकर हम लोगों ने तो दिमाग, हुनर और पैसा के जो जनरेटर बनाए थे उनका इस्तेमाल करके संघर्ष करके राजनीति में आगे बढ़ना शुरू किया। तो बहुत देर तक लोग ऐसा सोचते थे कि इस किस्म के संगठन बनते हैं थोड़ी देर चिल्लाने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हमने पहले ही ये प्रिकॉशन लिया था कि ये वट एवर वी हैव टू अटेन वी मस्ट बी एबल टू सस्टेन, जो हमें हासिल करना है उसको बनाए रखना है। तो इस किस्म का प्रबंध हम लोगों ने किया और मूवमेंट आगे बढ़ती गई।
तो मूवमेंट इसमें जो मूवमेंट बनाने में जो सोच है, विचार है या विचारधारा हम लोगों ने बनाई है, उसमें मुझे बहुत कुछ करना पड़ा है। लेकिन इस विचारधारा को अमल में लाने के लिए मेरे जो शागिर्द हैं, मेरे चेले हैं या जिनको मैंने तैयार किया है, तो वो लोग इसमें इसको अमल में लाने के लिए मुझे बड़ी मदद कर रहे हैं और इस मदद के कारण हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैंने पढ़े लिखे नौजवान लोगों को ढूंढ कर स्पॉट करके उनको तैयार करना शुरू किया। तो जिस किस्म की इस संघर्ष को, इस मूवमेंट को चलाने के लिए मुझे क्वालिटीज चाहिए थी, तो दिल और दिमाग की क्वालिटीज, उनका दिल भी कहता हो कि हमें ये मूवमेंट को चलाना है, दिल के साथ चलाना है, और दिमाग भी हो उनका वो चलाने के लिए। तो दिल और दिमाग की क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने देश भर में पढ़े लिखे नौजवान लोगों को तैयार करना शुरू किया, और वही दिल और दिमाग की जो क्वालिटीज़ है वो मायावती में काफ़ी बड़े पैमाने पर मुझे नज़र आई। और समय के साथ साथ जैसे हम आगे बढ़ते गए तो वो क्वालिटीज़ डेवलप होती गई, और उस डेवलपमेंट के कारण उनका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा निकलता गया।